नमस्कार, R9 टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको सुपर 50 में। पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। आज पीएम मोदी पुणे में DGP समिट में हिस्सा लेंगे। 3 दिन तक पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिसर में ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी कल देर शाम पुणे पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। सत्ता को लेकर खींचतान और नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की ये पहली मुलाकात हुई। सम्मेलन में सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे, जहां एक बार मुलाकात हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी है। इस चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी को छोड़कर बाकी 18 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। इन दोनों सीटों पर 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में 260 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और 48,25,000 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा, झारखंड विधानसभा चुनाव में आज दूसरे दौर का मतदान। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएं। तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सीएम रघुवर दास ने परिवार के साथ वोट डाला। जमशेदपुर के भालुवासा में राज्यकृत हरिजन उच्च विद्यालय में बने पोलिंग बूथ में वोट डाला है। रघुवर जमशेदपुर के पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 20 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग लगातार जारी है। झारखंड के गुमला में सिसई विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर फायरिंग की खबर सामने आई है। सिसई के BDO की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। सिसई में बूथ नंबर 36 पर RPF की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा घटनास्थल पर CRPF की टीम भेजी गई। इस दौरान कुछ लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से उनका हथियार छीनने की भी कोशिश की। हालात बिगड़ने पर जवान को फायरिंग करनी पड़ी और इस कोशिश में शख्स को गोली लग गई। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देर रात निधन हो गया। पीड़िता को एयरलिफ्ट करके लखनऊ से दिल्ली लाया गया था। पीड़िता का शरीर 95% जल चुका था। पीड़िता ने मरने से पहले अपने भाई से कहा था कि मैं जीना चाहती हूं। पीड़िता ने यह भी कहा था कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता ने बेटी के लिए योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। पिता ने बेटी के गुनाहगारों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए ये भी कहा कि गुनाहगारों को हैदराबाद की तरह दौड़ाकर मारो। उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मौत के बाद अब सियासत बढ़ गई है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता BJP दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी बीच पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम योगी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही ये भी कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। उन्नाव रेप पीड़िता पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताते हुए कहा कि परिवार का दुख समझ सकते हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं से सरकार की छवि को नुकसान होता है। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता की मौत के बाद देश भर में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी उन्नाव कांड पर कल हर जिले में शोक सभा करेगी। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद सड़क के रास्ते यूपी सरकार की 2 एम्बुलेंस शव और परिवार को लेकर उन्नाव को रवाना हो गई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उन्नाव पहुंच चुकी है और रेप पीड़िता के परिवार से भी मिल चुकी है।
उन्नाव गैंगरेप पर प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्नाव गैंगरेप मामले पर प्रियंका का योगी सरकार पर लगातार निशाना चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों को बचा रही है सरकार, अपराधियों पर नहीं की जाती कोई भी कार्रवाई। यूपी में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। हैदराबाद कांड और उन्नाव कांड को लेकर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने बीजेपी की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब बोलने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी इतना बल लेकर संसद में आई है, ना महिलाओं के लिए कोई बिल लेकर आई है, ना ही महिलाओं को सुरक्षा कर पा रही है। डीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्नाव रेप पीड़ितों की मौत पर दुख जताया है, साथ ही बलात्कारियों को तय समय में फांसी दी जाए ये भी कहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि जिस उन्नाव रेप पीड़िता को जलाकर मारने की कोशिश की गई, उसकी कल रात दिल्ली में हुई दर्दनाक मौत अति कष्टदायक है और इस दुख की घड़ी में बीएसपी पीड़ित परिवार के साथ है। यूपी सरकार पीड़ित परिवार को समुचित न्याय दिलाने हेतु शीघ्र ही विशेष पहल करे, यही इंसाफ का तकाजा और जनता की मांग है। साथ ही इस किस्म की दर्दनाक घटनाओं को यूपी सहित पूरे देश भर में रोकने हेतु राज्य सरकारों को चाहिए कि वो लोगों में कानून का खौफ पैदा करे, तथा केंद्र भी ऐसी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए दोषियों को निर्धारित समय के भीतर ही फांसी की सख्त सजा दिलाने का कानून जरूर बनाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की अनशन का आज पांचवा दिन है। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मौत पर स्वाति ने कहा है कि वो अंतिम क्षणों तक लड़ती रही। इस केस के सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। मेरा ये आमरण अनशन अब किसी हाल में नहीं टूटेगा जब तक सरकार सिस्टम नहीं बनाती। स्वाति मालीवाल ने आरोपियों को एक महीने के अंदर फांसी देने की मांग की है। वहीं सवालों के घेरे में हैदराबाद एनकाउंटर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शवों को सोमवार रात 8 बजे तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। हैदराबाद एनकाउंटर मामले में आरोपियों की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम हैदराबाद पहुंची है। एनएचआरसी ने तेलंगाना मुठभेड़ का संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच के लिए टीम भेज दी है। एनएचआरसी की टीम पहले मुठभेड़ स्थल का दौरा करेगी और फिर महबूब नगर जाएगी। यहां एक सरकारी अस्पताल में चारों आरोपियों के शव रखे गए हैं। हैदराबाद एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तेलंगाना में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपियों की मुठभेड़ में शामिल रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर जांच और कार्रवाई की मांग करते गए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने याचिका दायर करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के 2014 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए बिहार के सीएम और केंद्र और एनडीए के गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार ने अश्लील वेबसाइट पर रोक लगाने की मांग की। एक मंच से उन्होंने कहा कि ऐसी वेबसाइट से युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है, लोगों की मानसिकता बिगड़ती है। सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से ऐसी वेबसाइट पर रोक लगाने की मांग की। बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। घर के सामने खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची का ऑटो चालक ने अगवा करके रेप कर दिया। देर रात दरभंगा पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक कलयुगी पिता ने बाप बेटी के पवित्र रिश्तों को कलंकित कर दिया। कलयुगी पिता लगातार 5 सालों से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। कलयुगी पिता का घर में इतना खौफ था कि पत्नी तक ने विरोध नहीं किया। रेप पीड़ित बेटी ने पुलिस से जब इंसाफ की गुहार लगाई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। कलयुगी पिता लगातार 5 सालों से अपनी बेटी को ही हवस का शिकार बनाया हुआ था। इतना ही नहीं, बेटी की शादी के बाद भी पिता ने उसे नहीं बख्शा और हवस का शिकार बनाता रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ संगीन धाराओं के में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर तंज कसा है। ऋचा चड्ढा ने रवि नायर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए निर्मला सीतारमण के बयान पर लिखा, उन्हें
फेक खाने दीजिए क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं उनके इस ट्वीट की काफी चर्चा भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सरकार और राजभवन के बीच जारी विवादों को खत्म करने के लिए वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। धनखड़ ने कहा, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मैं मुख्यमंत्री के साथ राजभवन या प्रदेश सचिवालय कहीं भी किसी भी मुद्दे पर बातचीत को तैयार हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से केंद्र सरकार से सभी प्रमुख नेताओं पर लगी पाबंदी हटाने की अपील की है। थरूर ने फारूक अब्दुल्ला के एक पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, कैद फारूक साहब का पत्र है, संसद सदस्यों को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले में संसदीय विशेषाधिकार मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से ही घाटी के सभी प्रमुख नेता नजरबंद है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक शिक्षकों को लेकर विवाद सुलझ गया है। शिक्षा सचिव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इन शिक्षकों के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूजीपीसी के अध्यक्ष, यूजीसी के सचिव और एमएलडीआरडी के यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। आईआईटी दिल्ली में 1 दिसंबर से शुरू हुए प्लेसमेंट सीजन के पहले चरण में छठे दिन तक छात्रों को 700 से ज्यादा जॉब ऑफर मिल चुके हैं। कई छात्रों को 1 से ज्यादा नौकरियों के ऑफर भी मिले हैं। 6 दिनों में 186 प्री प्लेसमेंट ऑफर सहित 750 जॉब आ चुके हैं। पिछले 6 दिनों से कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों से सर्वेस्ट दिमाग की भर्ती के लिए दुनिया भर की कई शीर्ष नामी कंपनियां परिसर का दौरा कर रही है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां जेलों के लिए वीडियो वॉल बनाई गई है। यूपी की 50 जेलों में लगे 2750 सीसीटीवी के जरिए अब लखनऊ स्थित जेल मुख्यालय से बैठकर नजर रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल मुख्यालय के कमांड सेंटर में वीडियो वॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से काम में पारदर्शिता की तेजी आई है। अब वाहनों के दस्तावेजों यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके इस पर लोगों की राय मांगी है। इस संबंध में लोग 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है। एनके सिंह की अध्यक्षता वाली आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी थी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने आयोग के अन्य सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री से मुलाकात की है और उन्हें वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए आयोग की रिपोर्ट दी है। आरबीआई की ओर से एटीएम मशीनों को लेकर नई गाइडलाइन लाने और एक खास तरह का कार्ड लॉन्च करने के संकेत दिए गए हैं। एटीएम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत जल्द नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। केंद्रीय बैंक के एटीएम सेवाओं से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्टॉलमेंट लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका इस्तेमाल 10,000 रुपए मूल्य तक का सामान और सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से रिजर्व बैंक ने एनईएफटी ट्रांजैक्शन की सुविधा 24 घंटे शुरू करने का ऐलान कर दिया। 16 दिसंबर से 24 घंटे और 7 दिन एनईएफटी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। नेफ्ट और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क पहले ही माफ करे दिए गए थे। देश की दिग्गज ऑटोमेकर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने 60,000 से अधिक कारों को बाजार से वापस मंगा लिया है। मारुति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेफ्टी को देखते हुए कंपनी ने सियाज, अर्टिका और XL6 के 63,493 यूनिट को रिकॉल किया है। मारुति के मुताबिक कंपनी मोटर जनरेटर यूनिट में खराबी के कारण ये फैसला लिया गया। मारुति अब इन कारों के मॉडल की जाँच करेगी और इसके लिए ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
एमजी मोटर की भारत में एमजी हेक्टर एसक्यूवी काफी पसंद की जा रही है और हर महीने इस एसक्यूवी ग्राहकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बीच राजस्थान के उदयपुर में एक ग्राहक ने समस्या का हल नहीं होने पर अपनी एमजी हेक्टर एसक्यूवी को सड़क पर गधे से खिंचवा दिया। कार मालिक ने एमजी हेक्टर पर गधा वाहन नाम से पोस्टर भी लगवाए और लोगों से इसे नहीं देखने की सलाह भी दी है। इसके बाद गधे से बने एमजी हेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया। केन्या में बाढ़ का कहर मचा हुआ है। इस बीच टापू में फंसे एक मछुआरे का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। पास के गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पानी बहुत ज्यादा था। जब रेस्क्यू टीम को खबर दी गई तब तक हेलीकॉप्टर के जरिए युवक को एयरलिफ्ट किया गया। चारों तरफ पानी से घिरे छोटे से टापू में हेलीकॉप्टर को लैंड कराकर मछुआरे को निकाला गया। उत्तरी चीन बर्फ की मोटी चादर में लपटा हुआ है। कुछ दिनों से हो रही भारी बर्फबारी ने चीन के बहुत बड़े इलाके को ढक दिया है। बर्फबारी से जहां एक तरफ बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दे रही है वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 17 वर्ग किलोमीटर का इलाका बर्फबारी से प्रभावित है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को आगाह करने के लिए सड़कों पर चेतावनी के संकेत लगा दिए हैं। पूरे अमेरिका में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की चादर ने अमेरिका के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारी बर्फबारी के चलते विमान सेवा ठप हो चुकी है। रनवे पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। भयंकर बर्फबारी ने हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर टोरंटो का संकट भी मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने को हरी झंडी दे दी है। नैंसी पेलोसी ने घोषणा की है कि प्रतिनिधि सभा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मसौदा तैयार करे। फ्रांस में पेंशन सुधारकों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल से जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल से स्कूल और कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हुआ है और परिवहन सेवा लगभग ठप सा है। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई है और पेरिस में अब तक 97 लोगों की हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मात देकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। कप्तान कोहली की बेहतरीन तूफानी पारी के दम पर भारत ने विंडीज के 208 रनों के विशाल लक्ष्य को आसान साबित कर 6 विकेट से जीत दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुए T20 इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली की शानदार 84 रनों की पारी से बिग बी भी बेहद ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने निराले अंदाज में विराट को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। अमिताभ बच्चन ने अपनी सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथनी के फेमस डायलॉग को रिक्रिएट करके विराट को बधाई दी। कप्तान विराट कोहली ने खराब दौरे से गुजर रहे ऋषभ पंत का समर्थन किया है। कोहली ने कहा है कि इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को अलग थलग महसूस नहीं होने देंगे। ऋषभ पंत अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे हैं। डीआरएसएफ के साथ विकेटों के पीछे भी फ्लॉप रहने के कारण भी लगातार आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों ब्रेक पर है। धोनी जुलाई में इंग्लैंड में विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद से ही नहीं खेल रहे हैं। अब इस बीच धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। धोनी को इस वीडियो में गाना जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा गाते हुए सुना जा सकता है। कल की जीत के साथ ही भारत ने तीनों मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है और भारत का T20 में हासिल किया गया अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 10 साल पहले वर्ष 2009 में 207 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। इस तरह भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ लिया है और 208 रनों का लक्ष्य हासिल किया है।
अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों को उनके मंडी में होने का पता चला तो प्रशंसकों ने सुबह 5 बजे ही उनसे मिलने होटल में पहुंच गए। अमिताभ ने कुछ प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं। हिमाचल की अवभागत में बिग बी भी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में बसने की ही इच्छा को जाहिर की। अमिताभ मनाली में 8 दिन तक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के बाद मंडी के होटल में रुके थे। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत के संबंध में पुलिस द्वारा दायर 20 समरी रिपोर्ट का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की है। इससे पहले तनुश्री ने अक्टूबर 2018 में नाना पाटेकर के खिलाफ 2008 में फिल्म हॉल्ट ऑफ ली के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान परेशान करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का 8 दिसंबर को जन्मदिन है। जन्मदिन राजस्थान में मनाया जाएगा, जिसको लेकर उनकी बेटी सुहा अली खान, दामाद कुणाल खेमू और 2 विदेशी मंत्री के साथ शर्मिला टैगोर अपनी पटौती पैलेस में पहुंच गई है। बेटे तैमूर के साथ सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी पटौती पैलेस पहुंच चुके हैं, जहां आश्रम हरिमंदिर के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने पूरे परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद दिया। सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी ने कॉमेडियन कीकू शारदा और गौरव गेरा को जमकर लताड़ लगाई है। इन दोनों ने अपने कॉमेडी एक्ट में नेहा कक्कड़ से मिलता जुलता एक किरदार लिया, जिसका नाम नेहा शक्कर रखा। इस किरदार के जरिए उन्होंने न सिर्फ नेहा के लुक्स हाइट का मजाक उड़ाया, बल्कि उनकी गायकी पर भी भद्दा एक्ट किया है। ये सब देखकर नेहा बहुत नाराज हुई है और उन्होंने इसे बेहद अपमानजनक और नेगेटिव बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोगों पर लानत है। महेश मांजरेकर की बेटी साई मांजरेकर फिल्म दबंग 3 से सलमान खान के साथ डेब्यू करेंगी। इस बीच साई मांजरेकर के बचपन की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो सलमान खान के साथ खड़ी नजर आ रही है। साई ने बताया कि वायरल हो रही तस्वीर उनके बचपन की है, जब वो अपने पापा के साथ सलमान के घर गई थी तब ये तस्वीर क्लिक की गई थी। हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी के नए डांस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर धमाल मचा दिया। हालांकि ये उनका कोई नया गाना नहीं है, बल्कि ये एक स्टेज प्रोग्राम का वीडियो है। सपना चौधरी ने खुद इसे अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं।